नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। आप देख रहे हैं मुझे श्रुति द्विवेदी को। हम बात करेंगे दिवाली के ऐसे खास उपाय के बारे में जिसे हर व्यक्ति अपना सकता है, ऐसा उपाय जो कि घर घर में किया जा सकता है, ऐसा उपाय जो कि आपके जीवन में आर्थिक संपूर्णता लाता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि दिवाली की रात को माँ महालक्ष्मी की पूजा होती है। माँ महालक्ष्मी की पूजा करने के बहुत से नियम होते हैं, बहुत से मंत्र होते हैं, बहुत से स्रोत होते हैं, लेकिन कभी आपने ध्यान दिया है कि माँ महालक्ष्मी कहाँ मौजूद होती हैं? माँ महालक्ष्मी वहीं स्थिर होती हैं जहाँ पर विष्णु जी का वास होता है। विष्णु जी के वास के कई अलग तरीके होते हैं, कई अलग सिंबल्स होते हैं। ऐसे में एक ऐसा पेड़ जो कि विष्णु जी का सिंबॉलिक माना जाता है, वो है पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष में कहा जाता है विष्णु जी का वास है। पिपलाद ऋषि भी माने जाते हैं उस पे। तो यदि किसी की अढ़ैया चल रही है, साढ़े साती चल रही है, तो पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करी जाती है। ऐसे में आप इस दिवाली पर ये उपाय जरूर करके देखें। आपके घर के आसपास कोई ना कोई पीपल का पेड़ मौजूद होगा, नहीं होगा तो किसी मंदिर में तो जरूर ही होगा। तो आप क्या करें, 11 दीपक सरसों के तेल के पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं। अगर आप चाहें तो घी का दीपक भी जला सकते हैं। सरसों का तेल वो लोग जलाएं जिनके शत्रु अधिक हैं, और घी का दीपक वो लोग जलाएं जो कि धन प्राप्ति चाहते हैं। ये दो उपाय कर सकते हैं आप। इससे कभी भी घर में धन दौलत की कमी नहीं आती। माँ महालक्ष्मी तो प्रसन्न होती ही हैं, साथ ही साथ प्रभु विष्णु जी की भी आपके जीवन में कृपा बनी रहती है। और कहा जाता है ना, जैसे मैंने पहले भी कहा, जहाँ विष्णु जी का वास है वहाँ माँ महालक्ष्मी जरूर स्थिर रूप में प्राप्त होती हैं। तो छोटा सा उपाय है, करके जरूर देखिएगा। ऐसी ही खास बातें लेकर आऊंगी मैं आपके लिए केवल न्यूज़ नेशन पर। नमस्कार, आपका दिन बेहद शुभ हो।